Hello friends and welcome once again to Cook It Up with Tarla Dalal. काश जिंदगी इतनी आसान होती कि हम यूं ही बैठे रहते और हमें कोई खाने को देता रहता. पर वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो मुझे कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि अपना ये ऐश और आराम. तो चलिए उठते हैं और बनाते हैं. लेकिन बनाने के लिए लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली तरला दलाल. आइए तरला जी. नमस्ते. मैंने सुन लिया. क्या सुन लिया आपने? अरे कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो गपचुप गपचुप कुछ बोल रहा था. वो तो मैं इन लोगों को ये बता रहा था कि मैं कितना आलसी हूँ. वो नहीं है. तेरे को एक बात बता दूं जी, जिनके में सबसे बड़ी खुशी है जी, अच्छा खाना. नहीं, मैं भी अच्छा खाना देखने के लिए और सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ. तो चलो अभी काम शुरू हो जाए. तो अभी पहली चीज हम लोग क्या बनाने वाले हैं आज? कुछ ऐसा बनाएंगे, नो देसी खाना आज, नो विदेशी खाना. हाँ. आज मिलेगा ईस्ट विथ वेस्ट. ईस्ट मीट्स वेस्ट, राइट? ऑल राइट. सो ईस्ट मीट्स वेस्ट विद तरला दलाल द बेस्ट. तरला जी, मुझे अभी याद आया कि मुझे अपने दोस्तों को एक पार्टी देनी पड़ेगी. उसमें दुख की बात क्या है? वो मैं नहीं समझ. दुख इस बात का है कि कभी कभी पानी डालना या कभी करछी चलाना अलग बात है. अरे तू क्या, लेकिन बात पूरा खाना होना ना, वो भी इतने सारे दोस्तों के लिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? तू थोड़ा होमवर्क कर ले तो हो जाएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, होम मेरा रहेगा, वर्क आपका रहेगा. नो, दैट्स चोरी, एब्सोल्यूट चोरी. चोरी नॉट अलाउड. मैं चोर तो नहीं हूं. तेरे काम की चोरी कर रहे हो. चोर की बात, वो चोरी नहीं बात कर रहे हो. तो ठीक है, फिर एक काम करता हूँ कि होम भी मेरा ही होगा, होम भी मेरा ही होगा, वर्क भी मेरा होगा. लेकिन आपको मेरे पास आना जरूर पड़ेगा. जरूर आऊंगी. सो आज हम लोग पहली डिश क्या शुरू करने वाले हैं? आज बनाएंगे हम सूप. पहले सूप बनाएंगे. तो तला जी शुरू करें. जरूर. इस सूप का नाम है हरे नारियल का शोरबा. हरे नारियल का शोरबा. शोरबा मींस रस. जी जी. तो अभी ये कैसे बनाते हैं बताती हूँ. तेरे को तेरा मशीन में चालू करना पड़ेगा. मशीन चालू करूं? इसके लिए पहले, हाँ जी जी, इसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मसाला पीसना पड़ेगा. ये है हरा धनिया और ये है हरी मिर्च. और नींबू का रस हम क्यों डालते हैं आपको मालूम है? इसका कलर अच्छा रहने के लिए. ये सब हम मिक्सी में डालेंगे जी. पूरा डाल दूं ये? हाँ जी जी. ये रही हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस जी, और थोड़ा सा पानी. अब इसे बंद करके मशीन ऑन करूं? पीस लो. हाँ जी. There it goes. कितनी देर तक पीसना है? दो मिनट तक. अभी भी दो मिनट तक ये पीसेगा. अभी ये तो पीस रहा है. अभी हम मैं क्या बना रही हूँ उसका छौंक. क्या बनाओगे? इसका छौंक. छौंक, हाँ जी. हो गया होगा? हो गया. देख ले हुआ कि नहीं. अरे अरे, हो क्या गया. बात है, वेरी नाइस. कितना बढ़िया. अभी तू गैस चालू कर दे, चल तू ही पूरा सूप बना ले. तेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बना सकता हूँ. मुझे इस कॉन्फिडेंस की वाकई में बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों के लिए खाना बनाना है. ये ले पहला घी डाल. जी. कितना आसान है, तू देख ले. ये पूरा घी डाल दो इसमें? हाँ हाँ, एक ही चम्मच है. एक चम्मच घी. हाँ जी, बस बस बहुत. ओके. अभी अंदर डाल दे जीरा. जीरा. इसको थोड़ी देर तलने दूं मैं? अच्छा, ये मसाला इसमें कब डालना है? बस उसके बाद. अभी तैयारी निकाल दे. ठीक है, निकाल के तैयारी कर. इसको निकालूं मैं कटोरी में? चम्मच तरला जी वहां से दीजिएगा मुझे. ये मैंने घी डाला, जीरा डाला और नीम का पत्ता डाला. और अब ये छौंक तैयार हो गया. अब ये बस हो गया. तला जी बस ये भी तैयार है. चलेगा, पानी डाल के निकाल लेंगे बाद में. ओके. ये मसाला डाल दे अंदर. कैसा तो रंग है देखिए. डेढ़ कप पानी. कितना? डेढ़ कप पानी. हाँ जी. ओके. फाइनली हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का दूध.
नारियल का दूध में थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर कुछ भी मिला के अच्छी तरह से गोल लेना। तो एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं सूप में तो कभी भी गर्म पानी में और गर्म कोई भी गर्म दूध में नहीं मिक्स करना, नहीं तो आपका वहीं उसकी गोली गोली बन जाएगी। तो जब भी सूप में कोई भी टाइम मैदा और कॉर्नफ्लावर डालें, ठंडे पानी में मिक्स करें और ठंडा दूध में और बाद में डालिए। ओके तब ये हमने डाल दिया। अब इसको मैं चलाऊं? हाँ जी। और नमक, मैं हमेशा कहती हूँ मित्रों को, आपको जब पार्टी देनी होगी तो ऐसी चीज बनाओ जो बनाने में एकदम आसान हो। देखो कितना बढ़िया सूप हो गया तैयार। कॉर्नफ्लावर को पकने के लिए खाली 2 मिनट चाहिए। क्या चाहिए? 2 मिनट चाहिए, बस सूप बन गया। आप समझ गए कितना आसान है? एक खाली 2 ही कप सूप है मेरे लिए और तेरे लिए। हो गया मेरे लिए और इनके लिए। हो गया, तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर दूं? हाँ जी, ठीक बन गया। देखिए इसका नेचुरल हरा कलर है जी। हाँ, हमने कोई कलर डाला नहीं, पर कितना बढ़िया लगता है। And I think it's very healthy also. Yeah, it's very tasty. हरे नारियल का शोरबा बनाने के लिए आपको चाहिए नारियल का दूध 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, जीरा 1/2 चम्मच, 2 से 3 करी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 कप हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, नींबू का रस। एक पैन को गैस स्टोव पर रखें, साथ ही साथ एक ग्राइंडर में 1/4 कप हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, नींबू का रस और पानी डालकर पेस्ट बना लें। अब गरम पैन में घी डालें, घी गरम होने पर उसमें जीरा और करी पत्ता डालें, अब हरा पेस्ट भी इसमें डालें, थोड़ा पानी डालकर उसे कुछ देर तक पकाएं। 3/4 कप नारियल के दूध में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालें, इस मिश्रण को पैन में डालें, धीमी आंच पर कुछ देर तक पकाएं, स्वाद अनुसार नमक डालें। हरा नारियल का शोरबा खाने के लिए तैयार है। तो तरला जी, हमारा एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सूप बनके तैयार हो। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि यह सूप मैंने अपने दोस्तों को पिला दिया, उनको बहुत पसंद आ गया, पर उसके बाद मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि अब आप लोग जाइए, उसके बाद उनको कुछ और खिलाना भी पड़ेगा। ऑफ कोर्स। तो हम आगे क्या बनाने जा रहे हैं? अभी देख, अभी मशरूम की करी बना रहे हैं। आई लव मशरूम्स, माय गुडनेस। ओके, तब ये है क्या? स्लाइस मशरूम अबाउट 200 ग्राम कितने? 200 ग्राम ऑफ स्लाइस मशरूम। इसको है ना गर्म पानी में डाल देंगे। क्या करेंगे? गर्म पानी में ये अपना उबला हुआ पानी है जी, और 2 मिनट रखेंगे तो क्या होगा, मशरूम का रंग काला नहीं होगा। 2 मिनट बॉईल करना है इसको, 2 मिनट गर्म पानी में रखने का। अच्छा, 2 मिनट उबले हुए पानी में रखना है। इसको बोलते हैं ब्लांच। ब्लांच मींस क्या? बंद कर दीजिए गैस। इसको बंद कर। हाँ, बंद हो गया जी। ब्लांच मींस क्या? गर्म पानी में, उबलता हुआ पानी में वस्तु डाल के गैस बंद कर देने का। ओके। और 2 मिनट रखने का, उसको बोलते हैं ब्लांच। ओके, ओके? जी। तो आप सीख गया ना अभी। अभी तू मसाला पीसने का बना ले। मसाला पीसूं? हाँ हाँ, वो तो तेरा ही काम है। चलिए अब मेरा काम शुरू होता है। चलो तू काम कर। ये है प्याज। ये मसाला है ना जी, अपने सूप के लिए क्या बनाया? हरा मसाला बनाया। हाँ, हरा मसाला। अब ये बना रहे पूरा सफेद मसाला। सफेद मसाला यानी कि इसकी जो ग्रेवी होगी वो सफेद होगी। सफेद होगी, करेक्ट। ये काजू इसी में डालने? हाँ, काजू। प्याज डाला जी, प्याज डाला, काजू डाला, और ये है लहसुन और ये छोटा टुकड़ा अदरक। ओके, लहसुन और अदरक भी डाल दिया इसमें। तला जी, इसको मैं आप पीस दूं? नो, पहले पानी डालेगा तो ही पीसेगा ना। ओके, थोड़ा सा पानी, हमेशा कोई भी चीज पीसने की होगी पानी डालना तो चाहिए। ओके, इतना पानी काफी है? थोड़ा सा, थोड़ा सा और आधा कप के बाद बस। ओके, और बस उसे पीस ले। ऑलराइट, और ये हो गया अपना सफेद मसाला, इसको बोलते हैं सफेद मसाला। हरा मसाला भी आपने देख लिया क्या है जी। इस सफेद मसाला के अंदर आपको जब मशरूम पसंद नहीं हो, बहुत से लोग मशरूम नहीं खाते,
तो आप पनीर भी डाल सकते हो। पनीर से भी इतनी ही बढ़िया अच्छी भाजी बनती है, तो आपको जो चाहे वो डाल सकते और उसको वही नाम दे सकते हैं। बेसिकली मतलब ये हुआ कि हम अगर जिसको मशरूम नहीं पसंद हो वो उसमें पनीर डाल सकता है। पर बेसिक उसका मसाला जो है वही एक ही है। कुर्मा के लिए सब एक ही मसाला। तो ये तो तैयार हो गया तल्ला जी। हो गया ना जी। तो अभी तू गैस चालू कर और मैं मशरूम में छान लेती हूँ। अब इसमें पहले मैं मसाला डाल दूं पैन में या पहले मशरूम डालें? पहले घी डाल। मैं इसमें घी डाल दूं? या एक चम्मच? अब कितना अच्छी तरह सीख रहा है। और सब डाल दे, माप के निकाला है मैंने। ओके सब घी डाल दे। अभी ये घी तो गर्म हो गया है ना? जी घी तो गर्म हो गया। बस अभी वो पेस्ट निकाल जी, ये ले चम्मच और निकाल दे पेस्ट। ये बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि नहीं पूछो। तेरे को जब पार्टी करनी होगी ना जी, तो अगले दिन मसाला पीस के फ्रिज में रख दे। ठीक है, फिर क्या टाइम लगेगा तेरे को? कुछ दो मिनट का काम है, मशरूम स्लाइस करने में टाइम लगता। बना तो मैं लूंगा फटाफट, लेकिन गाइडेंस के लिए आपको वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जरूर जरूर मैं आऊंगी। और ये रहा मसाला, बस अभी इसमें से धीरे से डाल दे, धीरे से डाल दे कि तेरे पे घी गरम है ना जी। उड़ना नीचे तेरे पर। बस अभी तुम हिलाओ उसे, अभी डालेंगे थोड़ा सा क्या गरम मसाला। ओके ये डिश ऐसी है ना कि जिस लोगों को ज्यादा मिर्च नहीं खानी हो, जिनको यू नो थोड़ी सी फीकी डिश खानी हो, इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज है। इसमें कोई लाल मिर्च और हरी मिर्च है नहीं, पर खाने में इतनी बढ़िया है। अच्छा ये हमने अभी क्या डाला है इसमें? गरम मसाला, थोड़ा सा वही उसका मसाला है जी। अच्छा इसमें हरी मिर्च अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं, बस अभी डाल देंगे क्या मशरूम्स। दैट्स राइट, इज व्हाट आई लव। अभी अभी फाइनल स्टेज हा? जी अभी ये थोड़ी सी क्रीम, हमेशा कुर्मा में थोड़ी सी क्रीम पड़ती है। ओके ये थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा दूध, 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम एंड 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। ओके अभी तक मैंने नमक नहीं डाला, तो हम लोग पहले नमक डाल देंगे। मशरूम की ग्रेवी तैयार होने लगी ना, बस एक मिनट में मशरूम की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। मशरूम की ग्रेवी इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है इसको हिलाने की बजाय मैं इसको ऐसे ही पी जाऊं। इट लुक्स रियली रियली डिलिशियस। Yes. Okay, हो गया तैयार। Here we go. हमारा मशरूम विद ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी। मशरूम्स इन क्विक व्हाइट ग्रेवी। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम स्लाइस मशरूम्स, फ्रेश क्रीम, 1/4 चम्मच गरम मसाला, दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, नमक स्वाद अनुसार, 1 कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच काजू, अदरक 2 टुकड़े, लहसुन 2 फांके। मशरूम्स इन क्विक व्हाइट ग्रेवी बनने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले स्लाइस मशरूम्स को एक बर्तन में उबाल लें। एक मिक्सर में कटा हुआ प्याज, काजू, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। ब्लांच्ड मशरूम्स को छानकर अलग रख लें। एक पैन में घी को गर्म करें, प्याज और लहसुन के पेस्ट को पैन में डालें। थोड़ा सा गरम मसाला डालकर कुछ देर पकाएं। अब ब्लांच मशरूम्स को ग्रेवी में ऐड करें। 1 बड़ा चम्मच दूध और 2 बड़े चम्मच क्रीम डालकर कुछ और देर पकाएं। स्वाद अनुसार नमक डालें। मशरूम्स इन क्विक व्हाइट ग्रेवी तैयार है। तल्ला जी, घर पे आए मेहमान को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाना उसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि बहुत मजा आता है, दूसरा फायदा ये कि प्यार बढ़ता है, तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये कि बचत होती है। जैसे कि आपने कहा था ना बैंक बैलेंस नहीं घटता है, बिल्कुल ठीक कहा था। तो एक काम करते हैं, ये प्यार व्यार की बात को साइड में करते हैं और बचत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो एक बात बताइए कि बचत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अब हम लोग अगली चीज क्या बनाने वाले हैं? अब बनाएंगे स्टफ्ड टोमेटोज। स्टफ्ड टोमेटोज, ओह माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ आर वी गोना पुट इनटू इट? अभी देख तू जी।
ये है कैबेज, क्या है? कैबेज, कैबेज ओके, कसी हुई जी। उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये अब नमक क्यों डालते हैं? उसका पानी निकालने के लिए। अच्छा, नॉट फॉर द टेस्ट। नॉट फॉर द टेस्ट, पानी निकाल देंगे सब्जी पर। एक कैबेज है ओके। अभी नाउ उसके बाद क्या करेंगे, छोटे छोटे टमाटर लेने का, उसको ऐसा काट लेने का ओके। और ये है ना, वो वैसे टमाटर नहीं है कि हम बीच में खड्डा करें और भर दें, वो टाइप की सब्जी नहीं है। कि निकाल के ये, ना ना, ये अलग टाइप की सब्जी है ओके। ये जब गुजराती लोग बहुत बनाते हैं इसे, हाँ, ऐसे उसके ऊपर चार चीरियां करेंगे। क्या करेंगे? चार कट्स मारने हैं। कट्स मारेंगे okay. इतनी आसान सब्जी है और खाने में बहुत मजेदार है। ये हो गया अपना काम। अब ये कैबेज पर नमक डाला था ना जी, वो निकाल लेंगे okay. और उसके ऊपर से अभी हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक कैबेज को ऐसा हाथ में लगाने का और उसका पानी निकालने का थोड़ा सा। कितना ये लगा दिया? यानी कि बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना था कि पूरा पानी? नहीं नहीं, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। देखिए पानी निकल गया ओके। ये अपना हो गया कैबेज स्टफिंग। अभी अंदर मसाला डालेंगे। क्या क्या डालेंगे हम लोग? मसाला डालेंगे नमक थोड़ा सा। नाउ दिस सॉल्ट इज फॉर टेस्ट। दैट ये है हल्दी और एक चम्मच धना जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर, पाउडर हाँ, पाउडर डाला जी। अभी क्या डालेंगे? थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और थोड़ी सी शक्कर। अच्छा, इसमें भी शक्कर पड़ेगी? क्या बात। और कटा हुआ हरा धनिया। ये हो गया अपना मसाला। ये मसाला तैयार है? हाँ, ये मसाला तैयार हो गया। This is really, really quick. और इसको हम क्या करेंगे, अभी टमाटर में भरेंगे। तू गैस चालू कर दे प्लीज। ओके। और दो चम्मच खाली तेल डाल जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये भाजी बगैर तेल के भी हो सकती है। थोड़ा सा पानी डालिए और टमाटर रख दीजिए, जिसको तेल नहीं खाने का होगा तो बढ़िया बनती है भाजी। ले लीजिए, मैंने इसमें दो चम्मच तेल डाला। सही देखा जी। अंदर का ऐसे ही रहने दिया और अंदर ये मसाला भर दिया। क्या बात। तरला जी आज मुझे एक ऐसी रेसिपी सिखा रही हैं जिससे मैं अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकूं। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो तेल गरम हो गया? तेल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अभी थोड़ी सी हींग डालेंगे जी। अब इसको इसमें डालें हम लोग? हींग डाली, हींग डाली बस। तो अभी ये डालेंगे टमाटर। और टमाटर को तो तेरे को मालूम है पकने का टाइम नहीं लगता है, और कच्चे भी खा सकते हैं और कैबेज को भी कच्चे खा सकते हैं। और ये अपना लग गया। अब इसे मैं कवर कर देता हूँ। क्या बात है, पांच मिनट में ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस थोड़ी सी देर भाई। ये रेसिपी तो वाकई में बहुत आसान है, मुझे तो पूरी तरह समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो या कोई परेशानी आ रही हो तो आप लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं। तरला जी, आज क्या इस तरह हम शिमला मिर्च भी बना सकते हैं? क्यों नहीं, पर कैबेज और शिमला मिर्च का मेल नहीं खाता है, इसलिए कैबेज के बजाय हम उबला हुआ आलू मैश करके डालने का। पर एक बात याद रखना, ये टमाटर है इसलिए हमने शक्कर डाली है, पर शिमला मिर्च के साथ शक्कर नहीं डालनी। और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दोगे, बढ़िया बन जाए। बनाने की रीत तो यही है। ओके, थैंक यू मैडम। स्टफ्ड टोमेटोज बनाने के लिए आपको चाहिए चार टमाटर, एक कप कसी हुई बंद गोभी, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच चीनी, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, दो बड़े चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले कसी हुई बंद गोभी लें और उसमें नमक डालकर 10 मिनट छोड़ दें। कुछ सख्त लाल टमाटर लेकर उन्हें बीच से काट लें। अब बंद गोभी को अच्छी तरह से निचोड़ लें। उसमें नमक, हल्दी,
धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी डालकर स्टफिंग का मसाला बना लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालें। अब इस मिक्सचर को कटे हुए टमाटर में अच्छी तरह से स्टफ कर लें। एक पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें चुटकी भर हींग डालें और स्टफ टमाटर भी उसमें पकने के लिए डाल दें। कुछ देर तक ढक कर पकाएं। स्टफ टोमेटोज आर रेडी टू सर्व। सो बेसिकली व्हाट शी मींस इज दैट दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स द बेस्ट विद टोमेटोज एंड मी। तरला जी, अब इसके बाद हम कुछ और ट्राई करेंगे। बोल क्या? कुछ मीठा हो जाए। मिनट्स हैं सिर्फ 10 और हम बनाएंगे ब्राउनीज विद नो फस। तरला जी शुरू करें। हाँ जी। ओके। पहले गर्म पानी तैयार रखना चाहिए, बराबर याद है तेरे को? जी, जी, जी। तो गर्म पानी हमारा तैयार है। ओके ओके। तो अभी हम इसके अंदर पुडिंग बनाएंगे। एक गर्म पानी हो रहा है जी। और अंदर क्या डालेंगे बराबर ध्यान से सीख ले। हाँ, ये क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट एक चॉकलेट दूध वाली डार्क एंड मिल्क चॉकलेट। तो अपने को लेने की है डार्क। डार्क यानी कि बगैर दूध वाली। बगैर दूध वाली। बगैर दूध वाली चॉकलेट लेनी है। हाँ, ये जल्दी मेल्ट होती है, उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। और अंदर डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। और गरम कर लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा मक्खन डाल के गरम करेंगे। हाँ, फिर बाद में दूसरा मक्खन डाल देंगे। ओके? गरम होने लगेगा तब दूसरा मक्खन डाल देंगे। अच्छा, अभी और मक्खन पड़ेगा? हाँ जी, बस ये थोड़ा सा दूसरा और मक्खन। ये मक्खन और उस मक्खन में कोई फर्क है या नहीं? नहीं, just to grease it. ओके, लाइए मैं अभी चालू करता हूँ। हाँ, बस इसको मिलाऊं? हाँ जी। और ये डाला आपने पहले मक्खन। ओके तला जी, अब ये बटर जो है इसको हम पिघलने दें पूरा इसमें। हाँ जी। इसके बाद क्या डालना पूरा है? अभी डालेंगे अंदर क्या? क्वार्टर कप ऑफ कंडेंस मिल्क। क्या? क्वार्टर कप ऑफ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क, हाँ जी। और ये है पौना कप डाइजेस्टिव बिस्किट, मारी बिस्किट, कोई भी बिस्किट का चूरा ले लेगा। ओके। और ये रहा क्या? अखरोट। अखरोट। हाँ। वाह 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 वाह। तरला जी एक बात बताइए, ये हम इस तरह से क्यों पका रहे हैं? हम लोग सीधे आग पे रख के क्यों नहीं पकाते? ये कारण क्यों? चॉकलेट है ना, जल जाती है ना। अच्छा, तो हीट कंट्रोल में रहे उसके लिए हम लोग? नहीं नहीं, तेरे जैसे लोग जब पकाने बैठेंगे ना तो बराबर हला नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई एक्सपर्ट होगा तो बराबर अपने आप संभाल लेगा। चलो, अभी ये 2 मिनट में तैयार हो गया पुडिंग। तेरा कितना मिनट लगा बोल? By my watch, 6 minutes till now. That's right. Now you are going to put it in this cooker. Okay. तो मैं इसको निकाल दूँ अब? हाँ जी। गैस पहले बंद। गैस बंद? हाँ जी, बंद हो गया। Right. ये हो गया आपका पुडिंग। क्या बात है? बस अभी से चम्मच से जरा सीधा कर देते, थोड़ा सीधा, यानी कि इसको मैं एकदम बिठा देता हूँ। और अभी ये पुडिंग को क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? खाएंगे अब सीधे से? नहीं, come on, don't be hurry. अभी जाएगा फ्रिज में। अच्छा, इसको अभी पहले ठंडा होने दे बाहर, पहले बाहर, और थोड़ा टाइम फ्रिज में रहने दे। और फिर ऐसे ही अपने आप निकल आएगा। देख, वो प्लेट पड़ी है ना, वो मैंने बना के रखी है तेरे लिए। अच्छा, ये प्लेट जो है? हाँ, वो यही माप का है, वही ब्राउनी है। ऑल राइट, क्या बात है, इट लुक्स डिलीशियस, डजंट इट? बस अभी उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम बाद में डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। तो क्या हम वो अभी कर सकते हैं या? एंड सर्व विद वैनिला आइसक्रीम। नो फस ब्राउनीज। इसके लिए आपको चाहिए 3/4 कप डार्क चॉकलेट, 1/2 कप मक्खन, 3/4 कप बिस्किट का चूरा, 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप अखरोट। नो फस ब्राउनीज बनाने के लिए सबसे पहले एक डबल बॉयलर को तैयार करें। छोटे पैन में 3/4 कप डार्क चॉकलेट के टुकड़े डाल दें। उसी में 1/2 कप मक्खन और 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डालें। मक्खन और चॉकलेट के पिघलने पर 3/4 कप बिस्किट का चूरा पैन में डालें। साथ ही 1/2 कप कुटा हुआ अखरोट भी डालें। अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट गाढ़ा होने तक पकाएं।
अब एक ग्रीस्ड मोल्ड लें और उसमें इस मिश्रण को डालें। सेट होने तक मोल्ड को फ्रीजर में रखें। ब्राउनीज ठंडी सर्व करें। आ हा हा हा, क्या खुशबू है। तला जी, हाँ जी, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ये अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगा या खुद खाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर करना चाहता हूँ, वो है आपका शुक्रिया। लाइए अपना हाथ। कमा, थैंक यू सो मच भाई। 10 मिनट में इतनी सारी चीजें पॉसिबल हैं, ये तो हमें तरला जी ने ही बताया। मुझे तो चाय बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। Till then, have fun. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.